दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। उसमें इन सर्विसों का आप लाभ ले सकते हैं, इन सर्विसों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनना हो या राशन कार्ड आपका बनना हो, ये सारे काम अब आप खुद से ही कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा काम आप घर से ही कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आगे भी आपको मिलते रहे। इन सभी सर्विसों का बेनिफिट लेने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आपको सर्च बार में आना है, टाइप कर लेना है सर्विस प्लस। सर्विस प्लस लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सर्विस प्लस की जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसको ही आपको ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर्विस प्लस की वो ओपन हो जाएगी। तो इन सर्विसों का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर लेना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, रजिस्टर्ड और लॉगिन। रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम और एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको नोट्स में दिया गया है, आपको इस तरह से अपना एक जो पासवर्ड है यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट स्टेट में जाना है और आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आपको कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आप जो इसमें सर्विसें दी गई हैं उनका लाभ ले पाएंगे या आप उन सर्विसों में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो अभी आपने यहाँ पर फिल किया था उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ईमेल पर ओटीपी आया होगा उसको आपको यहाँ फिल कर लेना है और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उसको आपको यहाँ पर फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन सर्विस ऑनलाइन .gov.in, प्लीज लॉग इन द एप्लीकेशन यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। लॉग इन करने के लिए दोस्तों आपको सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉग इन आईडी में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था उसको फिल करेंगे और नीचे कैप्चा कोड डाल के आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सर्विस प्लस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर हमने लॉग इन कर लिया है। लॉगिन कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपका जो भी प्रोफाइल है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे मेनू में, तो यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, सबमिट फीडबैक, रिपोर्ट, सो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑल पर सिलेक्ट रखना। ऑल पर सिलेक्ट रखने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्विसों के नाम दिए गए हैं, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है और स्टेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो भी सर्विसें हैं इनका नाम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर लेना है VIRTH, इतना लिख के आप दोस्तों सर्च कर लेंगे तो आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन, इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से बर्थ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से अलग अलग स्टेट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों सभी स्टेट में सर्विसें अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में सर्विसें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, बहुत सारी स्टेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ
यहाँ पर आप बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जन्म या मृत्यु पंजीयन शाखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म है ओपन हो चुका है, इस फॉर्म को आपको फिल कर देना होगा। फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरा फॉर्म फिल करने को यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ से जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारी जो सर्विसें हैं इन सर्विसों का लाभ यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेज दिए गए हैं, अगर इस पेज में आपको सर्विस नहीं दिखाई दे रही है तो पेज चेंज करके देख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, रिवैलिडेट पेमेंट, मॉडिफाई सबमिशन, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलते रहें।